हर शरणागत की रक्षा, मजलूमों को सहारा, जंग उससे जिसकी तूती बोलती हो। बातों में अल्हड़पन लेकिन हर बात में गंभीरता। हर चुनौती के लिए एक जंग होती थी जिसे जीतने के लिए उनकी जिद के आगे हर कोई नतमस्तक हो जाता था। यूपी में एक जमाना था जब युवाओं में जितना बड़ा कांड उतने बड़े नाम की होड़ लगी थी। जंग वर्चस्व की चल रही थी लेकिन इसकी नींव जातीय आधार पर रखी जा चुकी थी, जिसकी शिलालेख पर राजनीतिक अपराधीकरण लिखा हुआ था। गोरखपुर में एक हाते में रहने वाला एक शख्स जिसे किसी ने मसीहा माना तो किसी ने पूर्वांचल में जरायम का वो जनक जिसने युवा हाथों में बम और बारूद थमाकर प्रदेश की धरती पर कास्ट क्राइम और पॉलिटिक्स का बेशुमार कॉकटेल तैयार किया। नाम था हरिशंकर तिवारी लेकिन पहचान मिली शेरे पूर्वांचल के नाम की। गोरखपुर का ये वही हाता है। कहते हैं एक जमाने में इसी हाते में अंडरवर्ल्ड की नई पौध तैयार होती थी। यूपी का कोई भी माफिया कितना भी बड़ा कांड करके हाते की शरण में चला जाता तो फिर उसे संरक्षण का ऐसा आवरण मिल जाता था जिसे भेद पाना ना तो सरकार के बस की बात थी ना ही सिस्टम की। गोरखपुर में गदर ठाकुर बनाम ब्राह्मण की चल रही थी जिसमें एक तरफ हरिशंकर तिवारी तो दूसरी तरफ वीरेंद्र प्रताप शाही गैंग खड़ा था। गोरखपुर में मठ की हनक के परस्पर हाता कैसे बना, कैसे ब्राह्मण बनाम क्षत्रियों के महाभारत में महारथियों की लाशें गिरी, इसकी शुरुआती दास्तानों का साक्षी है गोरखपुर विश्वविद्यालय। ये वो दौर था जब जेपी आंदोलन बदलाव की बयार तेज कर चुका था। इंदिरा गांधी की सत्ता के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में आवाज बुलंद थी। उधर गोरखपुर में मठ के अधिपत्य के खिलाफ जंग की नई जड़ें पनप रही थी। मठ के महंत दिग्विजय नाथ से लेकर महंत अवैधनाथ का दरबार और गोरखपुर विश्वविद्यालय में ठाकुर छात्रों का छत्रप चलता था। मठ में लगने वाले दरबार से जारी फरमान की फरमानी पढ़े लिखे प्रशासनिक अधिकारियों को भी करनी पड़ती थी। उधर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ में ठाकुरों का कब्जा ब्राह्मण छात्रों पर हावी था। ठाकुरों का वर्चस्व ब्राह्मणों को खलता था। इसी वर्चस्व की लड़ाई ने पूर्वांचल में युद्ध के दो धड़े तैयार किए। इसी दौर में गोरखपुर जिले के विधानसभा सीट चिल्लूपार के एक गाँव टाड़ा में जन्मे हरिशंकर तिवारी नाम का एक नौजवान पढ़ाई करने के लिए गोरखपुर पहुँचा। ये 1970 का दशक था। गोरखपुर में छात्र नेता हुआ करते थे रविंद्र सिंह। उनमें ठाकुरों वाली ठसक थी लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते थे। रविंद्र सिंह के एक और शागिर्द हुए वीरेंद्र प्रताप शाही, जिद्दी दिमाग और अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने की कुव्वत। रविंद्र सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष चुन लिए गए। मठ पर पहले ही ठाकुरों का वर्चस्व था। तब गोरखपुर पहुंचे हरिशंकर तिवारी यहां के हालात की टोह ले रहे थे। गोरखपुर में मठ और विश्वविद्यालय में ठाकुरों के वर्चस्व को पछाड़ने के लिए पैसा, पावर और पॉलिटिक्स की जरूरत थी। तब हरिशंकर ने पर्दे के पीछे से ब्राह्मणों को एकत्रित करना शुरू किया लेकिन किराए के कमरे में रहने वाले हरिशंकर तिवारी को लोगों को एकजुट करने में दिक्कत आ रही थी। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर किलेबंदी हो सके, फैसले हो सके, बिना रोक टोक लोग आ जा सके। कहा तो यह भी जाता है कि मठ की तानाशाही से तंग एक डीएम तिवारी का मददगार बना। डीएम चाहते थे कि मठ के परस्पर कुछ ऐसा खड़ा कर दिया जाए जिससे दरबार दो धड़ों में बट जाए। इधर हरिशंकर तिवारी भी दिन रात अपनी जमीन तलाश रहे थे। नौकरशाहों ने ही तिवारी को रेलवे के ठेके का फॉर्मूला बताया। पैसे आए तो हरिशंकर तिवारी ने हाता बनाया जो सफल रहा और जमीन जायदाद के झगड़े यहीं निपटाए जाने लगे। ठेके टेंडर के फैसले भी यहीं होने लगे। धीरे धीरे हरिशंकर की लोकप्रियता बढ़ती गई। नौजवानों की नई फौज हरिशंकर तिवारी के साथ जुड़ने लगी। वर्चस्व की जंग को अस्मिता से जोड़कर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए युवाओं की गोलबंदी इसी आधार पर होने लगी। अब गोरखपुर विश्वविद्यालय में वर्चस्व एक छत्र के बजाय ठाकुर ब्राह्मणों में बट गया। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। लेकिन जैसे जैसे हरिशंकर तिवारी का कद बढ़ता गया, गोरखपुर विश्वविद्यालय में वर्चस्व का धड़ा भी बढ़ता गया। उधर ठाकुर धड़े को वीरेंद्र प्रताप शाही की सह मिलती थी। इधर हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के बड़े स्तंभ बने हुए थे।
गोरखपुर के हाथे में क्राइम की ऐसी मशीनरी तैयार की गई जिसने युवा हाथों से किताबें किनारे रखवा कर कट्टे बारूदों से खेलने को बेताब कर दिया। पूर्वांचल के युवाओं को ऐसी राहों पर लाकर खड़ा कर दिया जिसका अंत मौत और तबाही है। शाही बनाम तिवारी के बीच वर्चस्व की जंग में कास्ट क्राइम की ऐसी पटकथा लिखी गई जिसके हर पन्ने पर आज भी दुर्दांत हस्ताक्षर मौजूद हैं। हरिशंकर तिवारी एक तरफ माफियाओं की फौज खड़ी कर रहे थे तो दूसरी तरफ सियासत में भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी राजनीतिक समझ ऐसी थी कि उन्हें कभी भी किसी भी दल से परहेज नहीं था। हरिशंकर तिवारी हर दल में रहे और 6 बार विधायक बने। पार्टी चाहे मायावती की हो, कल्याण सिंह की या फिर मुलायम सिंह यादव की, हरिशंकर तिवारी सभी दलों में सियासी स्तंभ बने रहे। राजनीतिक अपराधीकरण की चर्चा जब भी होती है तो हरिशंकर तिवारी को ही इसका जनक माना जाता है। एक जमाने में साधु सिंह, मखनू सिंह, मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह जैसे माफियाओं के बीच हुई वर्चस्व की जंग में हाथी को पावर सेंटर कहा जाता था। पूर्वांचल में आग की जो बयार बही उसका पावर सेंटर गोरखपुर का यही हाथा था। माफियाओं की सफेदपोशी का पहली बार सफल परीक्षण करने वाले हरिशंकर तिवारी ही थे जिन्होंने ये फॉर्मूला लॉन्च किया था। 2017 में योगी सरकार आने से पहले तक हाथे का ऐसा सिक्का चलता था जहां कभी भी पुलिस एंट्री नहीं मार पाई थी, लेकिन योगी सरकार आने के बाद ये तिलिस्म टूटा और पुलिस हाथे तक भी घुसी। 90 के दशक में यूपी को आतंक से आतंकित करने वाला कुख्यात माफिया श्री प्रकाश शुक्ला इसी वर्चस्व की जंग का एक सिपाही माना जाता था जो जातीय लड़ाई का सबसे खूंखार हत्यारा बनकर तैयार हुआ था। मंगलवार को हरिशंकर तिवारी ने गोरखपुर के हाथे में 88 साल की उम्र में अंतिम सांस ली तो पूर्वांचल में जातीय धड़ेबंदी और आपराधिक सियासत का साक्षी इतिहास फिर से जेहन में कौंधने लगा। जातीय अस्मिता को सियासत से जोड़कर गोरखपुर को क्राइम कैपिटल बना देने की कुव्वत याद आने लगी। हरिशंकर तिवारी ही पहले वो नेता बने जो जेल में रहकर चुनाव जीते। बुलेट और बैलेट दोनों के बीच हरिशंकर तिवारी का मजबूत सामंजस्य बना रहा। कई सियासतदान उनकी शह में रहे तो कई शातिर अपराधियों पर सरपरस्ती रही। हरिशंकर तिवारी अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं, लेकिन उनकी लिखी कई इबारतें सालों तक पूर्वांचल की आपराधिक शिलापट पर मौजूद रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।